ये मुदसर आदमी, ये मुदसर आदमी है कौन यार? Why do you keep listening about him? They keep talking about you. Why is that that you're so praised he's for? Just he's just a very nice guy. That's why we like to talk about him. I see. On it? No, I don't know. But they're talking about me. That's good. That's a good sign, no? So what all did he do in the movie before I call the last guy that I'm very fond of? What all did he do in this movie? He wrote the movie? Yeah, it's you directed? Yeah. It's my film, yeah. Nee, songs? Yes. Dialogues? Lyrics? Yes. Lyrics? Lyrics? Yes. कितने पैसे बचाए हमने इस वाले में? उन्होंने बहुत तब How many people did we not pay? No, he was his own AD also on set. हाँ, इसका AD है ना, काट ले तू अपनी. बिल्कुल छोरा. Can we get also the cutest guy I ever met and the most saintest people of the all, Apar Shakti Khurana? First of all, इनको हक करके बहुत मजा आता है. पाजी कैसे हो? काफी सारी चीजें हक करता है आदमी. मेरे जो आपने बोला ना कि ये भी थे सॉन्ग्स भी लिरिक्स भी और उसे एडी भी ऐसे बोला तो मेरे पीछे एक जोक आ रहा था ऐसे मगर एडी चोटी का जोर लगाया उन्होंने हर तरह से. सॉरी फॉर द बैड जोक. अच्छा तो सर थैंक यू. स्टिल एट इट. या कभी मत छोड़ना तुम. चाहे शूट पे जाइए यहां पे बुरे जोक्स तो होने चाहिए ना पाजी. बिल्कुल होने चाहिए. मुदस्सर सर सब कुछ करते हैं. अच्छे जोक्स का जो सारा जिम्मा है वो इस फिल्म में. बुरे जोक्स का मेरी पर्सनल लाइफ पे. वो हैप्पीनेस वाला हैप्पीनेस वाला हैप्पीनेस वाला. दिस इज नाइस. दिस व्हाई मुदस्सर? नो व्हाई मुदस्सर? अरे ही इज सो क्यूट. मुझे पता था कि ऐसी कोई रैंडम सा रीजन निकलेगा. ओके सो फर्स्ट टाइम. एक बात बताइए, आप लोगों ने पहले भी किया है या पहली बार कर रहे हैं? ये पहली पैसे लेके पहली बार. फ्री में काफी बार. दोनों दिल्ली वाले हैं सर, क्या करें. ओके सो जब मैंने पहली हैप्पी देखी फ्राइडे को ही देखी और फर्स्ट फ्राइडे को ही मैंने मैसेज किया सर को कि आई रियली लाइक योर फिल्म. मैंने जीवी पाजी से नंबर लिया एंड आई वाज लाइक व्हेनेवर यू डूइंग योर नेक्स्ट प्लीज लेट मी नो. एंड मुझे पता नहीं था कि वो प्लीज जेन्युइनली प्लीज हो जाएगा. थैंक यू सो मच सर, आई हैड अ ग्रेट टाइम. एंड सिंस देन यू हैव चेंज्ड द फोन नंबर राइट? ऐसा कुछ नहीं अभी नहीं मिल रहा भाई, क्या हो रहा है? कैन वी आल्सो हैव द आई नो आई वाज लाइक आई लाइक लाइक कॉल एवरीबॉडी. कैन एवरीबॉडी कम अप? The guys, give it up for everybody. Give it up for come on. Ali Fazal, Anand sir. It's Krishka, actually a joint team. The joint team of Happy Bhag Jayegi 1 and 2 because and there are no lines. And Piyush Bhaji, where's Piyush Bhaji? Why is he not there? Piyush Bhai, Piyush Bhai. I love how he's just... Do we have enough mics? And actually, honestly, just I'll take a second. Mere bade bhai hain, unka yahan pe hona bahut zaruri tha actually, Jimmy sir ka. बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में वो नहीं आ पाए. यू कैन सी हिज कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट ही मींस टू दिस फिल्म, व्हाट ही मींस टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली हियर. सो या ऑन बिहाफ ऑफ हिम आल्सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टर्निंग अप. थैंक यू गाइस. क्वेश्चंस हाँ से मैंने तू ही पूछ रहा खाली. आनंद सर आपसे सवाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू योर टीम, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर रहा है. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुकमा शो. मेरा सवाल आपसे आनंद सर कि जिमी सर के साथ इस फिल्म में इंसाफ होगा कि नहीं? मतलब तनु वर्स मनु से हम देखते आए हैं कभी लड़की मिली नहीं, एंड टाइम पे हमेशा छोड़ के गई हैप्पी भाग जाएगी में वैसे, तो इस बार कुछ उम्मीद है इंसाफ मिलने की? यार जब उनको नहीं मिल रही है ना वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है करने दो ना. कई बार ये भी चीज अगेंस्ट जाती है, एक क्यूट आदमी ऐसा रह जाए थोड़े टाइम तक अच्छा लगता है. थैंक यू सर, मुझे लगा नहीं आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलोगे. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबॉडी? या कैन गेट द माइक देयर. या सर माय क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? जब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर तो वहाँ का शूटिंग क्रैप कैसे रहा? कि सवाल है किसके लिए सर? सबके लिए. ये सबके लिए काफी लंबा आंसर होगा ये. मुदस्सर आप दे दीजिए सर. आपने देखा ही होगा वी एक्चुअली आर वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग वन अनदर ऑल ऑफ अस. तो सेट पे भी ऐसा ही कुछ माहौल होता था. हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम कोई बहुत सीरियस काम कर रहे हैं सब इकट्ठा होकर के. एक हंसी मजाक वाली फिल्म है उसको उसी स्पिरिट में, और हम दोस्त बहुत अच्छे हैं एक्चुअली सारे. तो उस वजह से वो एक सर्टन
एनर्जी आपको नजर आई होगी. वी रियली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग एंड सीइंग वन अनदर. सो दैट वाज द एटमॉस्फेयर प्रीटी मच ऑन द सेट. आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू सून. वाज दैट द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? एब्सोल्युटली. आई थिंक ट्रेलर से आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि कितना मजा आया हमें ये फिल्म बनाते हुए. And honestly, everybody just got along so well with each other. It was, we had some tough locations to shoot at, tough weather to face, you know, during the shoot. But together as a team, we just stood strong with each other and we had a wonderful time. Agar pehli film ki director se hai mera sawal. Ji, idhar. Ji. Agar pehli film ko dekha jaye, to wo film shuruaat में तो अच्छी थी ही, लेकिन माउथ पब्लिसिटी से काफी आगे गई क्योंकि उसकी कहानी बहुत अच्छी थी और बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजों को उसमें डाला गया था. तो इस फिल्म में वो मासूमियत और वो कहानी के लेवल पे देखिए, किसी भी राइटर की और डायरेक्टर की कोशिश ये होती है, खास तौर से उस पर जब ये वाली जिम्मेदारी आती है कि अपनी ही फिल्म का वो दूसरा भाग बनाए, तो ये जिम्मेदारी आती है उस पर कि जो इनोसेंस, जो ऑनेस्टी ऑडियंस तक किसी लेवल पे पहुंची थी वो उसको बरकरार रखे. हम जब मैं राय साहब के पास इस फिल्म की कहानी को लेकर के गया था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचा था कि कोई एक चीज़ है जो जो ऑडियंस को उस फिल्म से जोड़े रखती है और जोड़े रखती आई है, और वो चीज़ हमको इस फिल्म में नहीं खोना है. तो हमारा अटेम्प्ट कभी ये नहीं था कि ओ हम सीक्वल बना रहे हैं, आओ कुछ बड़ा बनाते हैं, आओ इसको कुछ you know, let's make this more expensive, bigger, let's convert it into a franchise. वो नहीं था actually. हमको ये लगा, अरे ये बात छू गई है किसी को, तो ये बात क्यों ना और confidence के साथ क्यों ना दोबाला करके audience तक पहुंचाई जाए. तो यही एक effort. मैं उसमें add करना चाहता हूँ, अक्सर ना मुझे सर 10/10 होते हैं और उस पर 10/6 करके उसको देते हैं बात को. जो आप जिस इनोसेंस की चीज़ों की बात कर रहे हो, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ वेरी नेचुरल एंड काफ़ी यू नो इमोशनल बंदे हैं खुद. वो उनकी राइटिंग में, डायलॉग्स में, गानों में हमेशा आपको नजर आएगा. सो सोनाक्षी, एक सवाल आपसे. सर, आपसे ये सवाल था कि ये वाली हैप्पी फिर भाग जाएगी, पहले वाली हैप्पी से कितनी अलग, और अलग तो है ही लेकिन कितनी बेहतर है या उससे भी बेहतर है, कैसी? नहीं देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि दो हैप्पियों के बीच में चुनना, कभी कभी इस मर्द को इस दुविधा में मत डालिएगा कि उसमें उससे ये पूछा जाए कि दो लड़कियों में से उसको एक चुनना हो. नेवर पुट अ मैन इन दैट स्पॉट. बट यू नो आई हैव रिटन बोथ, टू मी बोथ दी स्टोरीज आर माई बेबीज. आई के नॉट पिक बिटवीन द टू ऑफ देम. बट एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक किसी मॉडल का ध्यान ना रखते हुए, किसी एक खाके का, एक ढांचे का ध्यान ना रखते हुए, आप ये बात पकड़ लेंगे इमीडिएटली कि ये हैप्पी और ये हैप्पी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं. यू नो दे आर वेरी डिफरेंट गर्ल्स. दे रिप्रेजेंट द सेम इमोशन विच इज हैप्पीनेस. व्हेन आई पिक द टाइटल ऑफ दिस फिल्म, आई ऑलवेज एंड आई एट डिफरेंट टाइम्स सेड इट टू मेंबर्स ऑफ माई कास्ट, आई ऑलवेज बिलीव हैप्पीनेस इज वन इमोशन इन योर लाइफ. इफ यू डोंट चेरिश इट, डोंट लुक आफ्टर इट, डोंट प्रोटेक्ट इट, वो भाग जाएगा. You know, that for me has always been what the title stands for. So they are, for me, both these girls are two remarkable representations of happiness. Shrinakshi and Dina, aap dono se ye sawal hai. Jaise ki aap is film mein dono hi happy hain. Asal zindagi mein aisi kaun si cheeze hain, aisi kaun si baatein hain jo aapko hamesha happy rakhti hain? Mera kaam mujhe bahut happy rakhta hai. I think I live for my work and what I do. It brings me immense joy. बहुत मज़ा आता है एंड इसलिए आई डोंट ट्रीट इट लाइक वर्क, आई ट्रीट इट लाइक समथिंग दैट आई एम जस्ट सो पैशनेट अबाउट एंड दैट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय. काम के अलावा मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, खाना, यू नो बेसिक थिंग्स, द स्मॉल जॉयज इन लाइफ. आनंद सर, आपसे सवाल है आपके स्ट्रेट ना आपके आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी नो दैट गुड फूड मेक्स मी सो हैप्पी. And I think Anand also knows this because I don't know why it doesn't show. But I love working with Color Yellow because there are five. Because some girls have all the luck. Two lunches, two dinners, then one in between tea time snack, everything. Color wow, Yellow there is a special. Bas karo yaar, bas, bas, bas. This is embarrassing now. Sab ladkiyan jealous ho rahi hai yahan par. Mera khoon jal raha hai yahan pe, meri atma jal rahi hai andar se. Anand sir, aapse sawal hai, aapke straight mein sir.
आपके राइट में स्ट्रेट में जी, आपसे सवाल है कि चाइना को ही क्यों चीन को चुना है, क्योंकि पिछले बार पाकिस्तान था और इस बार चीन है, और जो रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया पाकिस्तान सॉरी चीन के हैप्पी भी रहे हैं, मिलते जुले हमेशा टाइम टू टाइम होते रहे, तो कोई खास कारण है? और कहीं ना कहीं से व्यंग्यात्मक तरीके से क्या हम वो भी देखेंगे इसमें फिल्म में? कहीं बारे में बेहतर मुदस्सर बताएगा, बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम लोग फिल्में बनाते हैं, हमारा कुछ हम इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, पर ये हमारे पास एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम कुछ दो चार बातें बोल देते हैं, उसका कितना असर होता है वो नहीं पता, मेन हमारा मकसद होता है आप लोगों का एंटरटेनमेंट, ऑडियंस का एंटरटेनमेंट। बट अगर हैप्पीनेस इन जगहों पे जुड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर हमसे इतना भी हो जाए कि कहीं ना कहीं इसको हम उस चीज़ से कनेक्ट कर दें, एक हैप्पीनेस से कनेक्ट कर दें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, सॉल्व हम में से कोई नहीं कर पाएगा, बट हम अपने मीडियम की तरफ से एक 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 खुशी, एक एक एंटरटेनमेंट, एक एक कॉर्डियल चीज़ आप बोल लीजिए अगर हम दे पाएं, उससे बेहतर कुछ नहीं। कृषिका जी, मेरा सवाल आप एक्चुअली एक मैं ना आपके ना आपके सवाल में आपका जवाब था बहुत खूबसूरत। दरअसल क्या है, हास्य व्यंग जो होता है, यू नो ह्यूमर थ्रू सार्केज्म और थ्रू सैटायर, we should all develop an appetite for it, and kyunki rishte naram garam rehte hain in mulkon ke sath, mujhe lagta hai ki isliye aur us pe hansne ki zarurat hai, taaki yahi ek tarika hai rishte sudharne ka। maine one ke waqt pe na ek badi kisi ne press ke hi saathi ne mujhse ek sawal pucha tha, maine unko bola tha ki unhone kaha tha padosi ko kyun pick kiya aapne, maine kaha aisa hai ki aap agar ek ghar mein rehte hain, agar padosi balcony mein kachhe bhi sukhata hai to padosi padosi hota hai, you know, तो वो जो एक एक फ्रेनमीज वाले जोन में ख़ास तौर से ये दो मुल्क हैं, ऑल द मोर रीज़न दैट वी शुड हैव फिल्म्स दैट स्पीक अबाउट देयर कल्चर वर्सेस आवर कल्चर, अ सर्टेन बॉर्डर टेंशन दैट कीप्स प्रॉपिंग अप विद बोथ दीज कंट्रीज। सो या एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी आई इंटरप्टेड समबडी, यस शूट। कृषिका जी, मेरा सवाल आपसे है, इंडस्ट्री में जिस तरह का चलन है उसके विरुद्ध जाकर आप वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों को इतना प्रमोट क्यों करती हैं, और इतने सालों से क्या आप कॉन्फिडेंट रहती हैं कि वो अच्छा कर पाएंगी, चाहे वो नीलबट्टा सन्नाटा हो या बड़ी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हो कंगना वाली? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म प्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अनजान अनजानी और देसी बॉयज से, तो इट इज़ ऑल मेल्स ओनली इन दैट, तो ऐसे कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट व्हिच आई रियली एंजॉय, एंड यस वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एक्चुअली अ वुमेन कैन कनेक्ट इवन मोर, सो आई एंजॉय दोज मोमेंट्स टू। थैंक यू। हाय आनंद, दिस इज प्रियंका टुवर्ड्स योर लेफ्ट। हाय, दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। आनंद, वी सॉ द सॉन्ग फ्रॉम जीरो एंड एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट दैट, बट एज अ डायरेक्टर हाउ इज इट फॉर यू टू शूट यू नो टू सुपरस्टार्स, and how was it to be on the sets with them? I was very happy there. I was really happy there. But does it get difficult to shoot two superstars and you know to have them in one frame? Nahi, mujhe nahi lagta aisa, matlab I've been very fortunate in that way. Ye as a director nahi jawab de raha hu, as a person, as a human being bol raha hu. If you meet somebody और आपको उनके बीच में आप उनसे बात करते हो, अगर वो इंसान आपको समझ में आ जाता है, फिर वो स्टार नहीं रहता, वो एक एक ऐसा रिश्ता बोल दूंगा या एक ऐसा माहौल बोल दूंगा कि वो दोनों इतने बड़े हैं कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार है, तो ये उनकी उनका बड़प्पन है। हाय जैसी, गायत्री हियर फ्रॉम मिडडे ऑनलाइन। So, since this is your debut film, so how was it shooting with everyone? And I also heard that you would sing songs to impress Sonakshi on the sets. So please tell us about that. नहीं, बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था पहले के, क्योंकि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना था, पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सारे दिन निकल गए, स्पेशली क्योंकि सोना ऑलरेडी पंजाबी गाने सुनते हैं पहले से। सो उस टाइम मेरा एक गाना आया था, तो मैंने सोनाक्षी को सुनाया, तो उन्होंने इनको अच्छा लगा, तो उन्होंने प्रमोट भी किया बड़े अच्छे से। सो उस टाइम मुझे पता चला कि यार ये तो पंजाबी लड़की है पूरी, क्योंकि
क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट में मैंने बाद में गाने देखे, सारे ऑलमोस्ट पंजाबी गाने ही थे. सो बड़ा मजा आया. सो बहुत अपनापन फील हुआ वहाँ पे. मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं पंजाब से आया हूँ यहाँ पे और ये लोग सब पहली बार मेरे साथ काम करेंगे. स्पेशली मुदस्सर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में. सब लोगों ने, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म है. मोमेंट रिक्रिएट कर सकते हैं क्या दोनों के साथ में यहाँ? Why not? You should. Now you aren't you nervous? Yeah, Jesse Gill stage पे और गाना ना गाए ये नहीं होना चाहिए. ये हो गलत बात है. Jesse! जरूर. नी मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा एनरिके दा हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा एनरिके दा हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा ओ जे मेरी खाली पैसा एक भी नहीं तेरे डैड वांगू डैड मेरा रिच भी नहीं जे मेरी खाली पैसा एक भी नहीं तेरे डैड वांगू डैड मेरा रिच भी नहीं तेनू सच दसा लेके पैसे नी मैं यारा तो उधार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा. थैंक यू सो मच. सोनाक्षी और डायना आपसे एक सवाल है, दोनों हैप्पी से एक सवाल है. सिंस द मूवी इज बेस्ड ऑन एन एस्केप जहां पे मतलब हैप्पी भाग रही है, अपनी लाइफ में रियल लाइफ में कोई ऐसा कोई एस्केप रहा है जो हिलेरियस रहा हो और जो यादगार रहा हो? आई लाइक सोनाक्षी इज टू मेनी ऑफ दोस नाउ, शी इज पिकिंग वन. कौन सा वाला बोलूं? ये समझ नहीं आ रहा. बट हुए हैं ट्यूशन टीचर से एस्केप, कभी कभी स्कूल से एस्केप, कॉलेज से, कभी कभी घर से एस्केप, कभी कभी अपराधी से एस्केप. बहुत हुए हैं. आई हैव नॉट रियली एस्केप्ड सो मेनी थिंग्स बिकॉज आई जस्ट डोंट हैव द नैक फॉर एस्केपिंग एक्सेप्ट इन हैप्पी आई थिंक. But yeah, like in college, little bit here and there to bunk class because it was very boring. It was 8 in the morning, so I used to rather sleep.